हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अप्पी की रसोई में। आज हम लोग बना रहे हैं शाही पनीर, वो भी बिना प्याज और लहसुन के। तो देखिए, एक ग्राइंडर जार में मैंने 2 उबले हुए आलू ले लिए हैं, मीडियम साइज़ के आलू हैं। उसे अच्छे से हमने काट के दे दिया और इसके साथ हम 2 छोटे छोटे टमाटर भी रफली चॉप करके इसमें दे देंगे। और इस सारी की मैं प्यूरी बनाऊँगी। ये देखिए, हम अभी ये टमाटर भी ग्राइंडर जार में डाल दिए हैं और 1 चम्मच हम सौंफ देंगे, छोटा चम्मच, थोड़ी सी सौंफ। और ये देखिए, हमारी प्यूरी बनके तैयार हो गई है। अब हम देख लेते हैं, पनीर ले लिया है, पनीर को हम कट करेंगे, उसे पीसेज में काट लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आ रही हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ये देखिए, मैंने इतने बड़े बड़े पनीर के टुकड़े कर लिए हैं। अब हम गैस के ऑन करेंगे और कढ़ाई गरम करने दे देंगे। उसमें 1 छोटा चम्मच मैंने थोड़ा सा घी डाला है और हम पनीर डाल के इसे थोड़ी देर के लिए पनीर को भूनेंगे। ये देखिए, पनीर रोस्ट हो गया। मैंने पानी भी गर्म होने के लिए रख दिया है, नॉर्मल पानी है, उसमें कोई भी मसाले या कोई भी नमक नहीं है। ये देखिए, हमारा पनीर भी भुना गया है और हम इसे निकाल लेंगे अच्छे तरीके से। और उसी में हम बस 2 चम्मच या 1 चम्मच ही तेल डालेंगे। आप अपने अनुसार तेल कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और हमने जो टमाटर और आलू की प्यूरी बनाई थी, वो भी अब हम तेल में डाल देंगे। हाँ, तेल गर्म हो गया था तो प्यूरी हमने डाल दिया। इसे अच्छे से चला लेते हैं। पानी भी हमारा गर्म हो गया है। अब इस उबले हुए पानी में पनीर डाल देंगे, इससे हमारे पनीर अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। अब देखिए, हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे। 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे हम अच्छे से चला लेंगे सारे मसालों को मिलाने के बाद। अब इसमें हम थोड़ी सी पानी डालेंगे, 1 छोटा चम्मच नमक भी डाला है। और फिर उसी जार में मैं थोड़ा सा पानी लेके, वो पानी भी मैं इसी में डाल दे रही हूँ। और हम इसे मीडियम फ्लेम पर थोड़ी देर ढककर पकाएंगे। इसी के ऊपर मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी दे दी है, ताकि हमारी कसूरी मेथी थोड़ा गर्म हो जाए और इसमें फ्लेवर अच्छे से आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ जाएगा। ये देखिए, हमारे मसाले अच्छे से भुना गए, तेल सारे ऊपर आ गए हैं। अब इसमें हम थोड़ी सी घर में जो मलाई होती है, दूध की मलाई, 2 चम्मच मैंने मलाई डाला है, घर की मलाई है। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। गैस के फ्लेम को लो ही रखेंगे। लो फ्लेम पर इसे 2-3 मिनट पकाएंगे। ये देखिए, हमारे मसाले भी अच्छे से बन गए। और थोड़ी सी चीनी डालेंगे, चीनी आप अपने अनुसार डालिएगा, अगर आप चाहें तो डालें वरना ना भी डालें। शाही पनीर हल्की मीठी लगती है, इसलिए मैंने थोड़ी सी चीनी डाली है और थोड़ी सी पानी डाल के, 1/2 कप से भी कम पानी डालिएगा और 1 उबाल आने तक। ये देखिए, 1 उबाल आ गया है। अब इसमें हम पनीर के टुकड़े डाल देंगे। पनीर डालने के बाद इसे हम ढककर 5 मिनट के लिए पकाएंगे। पाँच मिनट हो गए हैं और अब इसमें हम कस्तूरी मेथी ऊपर से डाल देंगे। ये देखिए, मैंने कस्तूरी मेथी भी ऊपर से डाल दिया है और हमारे पनीर बनके तैयार हो गए हैं। गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और हमारी पनीर देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी बनके तैयार हो गई है। ना काजू, ना मगज, ना लहसुन, ना प्याज, फिर भी देखिए कितनी अच्छी सब्ज़ी बन के तैयार हुई है। थैंक यू।